कपुबासे जेठला कब त्यारा दिन। सुबेरे का टाइम था, यहाँ पे मैं अनार खा रही थी थोड़ा सा, तो ठंडी बहुत है यार। तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हाँ हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। तो यहाँ पे हो रही है ठंडी, तो नहा धोने के बाद काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे ब्लॉग के स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता रही हूँ मैं आपको, कल डंकी देखने गए थे ना मूवी, तो अच्छी लगी। ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगी, ठीक ठीक है, मतलब अच्छी है। और ये भी आई थी ना, शैतानी बहुत करती है, बहुत ज़्यादा बैठने नहीं देती है, तो अभी भी वो अंदर है। उठ तो गई थी वो सुबह, मैंने अंदर छोड़ा है उसको, नहीं तो पीछे से इतना हल्ला कर देगी कि मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी। तो और क्लीन अप सारा हो गया है, साफ़ सफाई सारी हो गई है, नहाने धोने के बाद कपड़े वपड़े भी कर लिए। आज थोड़ी हल्की सी धूप लग रही है कि धूप आ गई है, तो हम चलते हैं छत पे, मैं आप लोगों को दिखाती हुई हूँ कैसा हो रहा है आज। ठीक है, और मतलब डंकी आप देखोगे ना तो मुझे ठीक लगी, क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादातर साउथ मूवी पसंद है। पर ये भी डंकी भी अच्छी है, एक बार आप लोग देख लीजिए, अच्छी है। मतलब दिखाया गया है कि पहले लोग, मतलब पहले क्या, अभी भी जाते ही हैं लोग जाने को, शायद तभी तो मूवी बनाई है। चलिए फिर ऊपर चलते हैं। और अभी लेके आई मैं फ्लावर बाहर से, ये गुलाब के बहुत प्यारे प्यारे, मैंने कहा इस पे लगा देती हूँ, खुशबू इतनी प्यारी आ रही ना इनकी, मैंने कहा चलो मंदिर वाले उस पे लगा देती हूँ इसको ना, यहाँ पे इसके बहुत प्यारे फूल हैं, भरे भरे आ चुके हैं छत पे। तो इधर देख सकते हैं मैंने कपड़े टांगे हैं, और आज 8-9 7-8 दिन के बाद ही, मतलब वैसे हो गए पूरे हफ्ता। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं छत पे, तो यहाँ देख सकते हैं आप, इधर मैंने कपड़े टांगे हुए हैं, आज इतने दिनों बाद धूप आई है, मान लो हफ्ते में ही पूरी धूप आई है, तो अच्छा लग रहा है, सूरज भी अच्छा लग रहा है, और छत में थोड़ा आई तो अच्छा लग रहा है यार। और देखिए आप, कूड़ा कबाड़ा छत पे कितना हो रखा है, पूरा का पूरा गंदा हो रखा है मिट्टी मिट्टी से। और यहाँ पे ना मैंने इस मटके में ऐसे मैंने लाई लगा रखी थी, तो हो रखा है ये एलोवेरा, और इसमें भी लाई लग रखी है थोड़ी। और यहाँ पे ये कुर्सियाँ टूट रखी हैं, ये वाली कुर्सी भी, ये तो बिल्कुल ही टूट गई देखो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो सीमल का पेड़ है ना, अब इसके सारे पत्ते गिरेंगे फ्रेंड्स, पता है पूरे पत्ते गिरेंगे और रेड कलर के फूल आएंगे बड़े बड़े, और इतना प्यारा लगता है ना, तब पूछो मत। चलो उस वाली छत में दिखाती हूँ आपको, कितने सारे कपड़े इसके ना पड़े पड़े हैं वो, और भी दिखाती हूँ आपको। चलिए इधर इसके सारे कपड़े इसके ही हैं, और ये इसकी टोपी वाली सूखी नहीं हो, याद कर रही है कहाँ गई करके ढूंढ रही है। और उसके मोजे, मेरे मोजे ऐसे ही पड़े हैं, तो अभी थोड़ा सूख जाएंगे तो अच्छा है। उसके बाद इधर वाले कपड़े और ये कपड़े सारे के सारे पैजामे सूख जाएंगी ना, तो ठीक है, वरना तो बहुत ज़्यादा इतने दिन हो गए थे सूख ही नहीं रहे थे कपड़े, अभी आ जाएगी। ये वाली को भी 4-5 दिन हो गए सूख ही नहीं रही थी, इसकी फ्रॉक काफ़ी भारी है ये वाली, तो यहाँ पे ना सूख जाएगी, हल्का सा धूप आ गई है, तीखी वाली तो नहीं है, हल्की हल्की धूप है। और ये मौसम आप देख सकते हैं, अभी भी ऐसा लग ही रहा है कि मतलब इतना साफ नहीं हुआ है, धुंध धुंध छाई पड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से अभी कोहरा ही लग जाएगा, आप देख सकते हैं। और हम चलते हैं आप थोड़ी देर नीचे, उसके बाद मैं आप लोगों को नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। गुड़ मत रखना फ्रेंड्स बाहर, देखो इस तरीके से गीला हो जाएगा सारा का सारा गुड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता करने के बाद
देखिए बर्तन वर्तन सारे धुल चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।